पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नैन सूखे, दिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण होने दो अकेला। नमस्ते, मेरा नाम है केशव झा और हिंदी कवि के सातवें एपिसोड में, सातवें प्रकरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा कि इतने दिनों बाद में हिंदी कवि का कोई प्रकरण आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं, और जो कविता मैंने पढ़ी उस कविताओं के एक एक पंक्ति में जो इतने सारी भावनाएं का समावेश था, यदि ऐसा किसी कवित्री के अंदर करने की क्षमता थी तो मात्र एक कवित्री थी, महादेवी वर्मा जी। तो हिंदी कवि के इस एपिसोड में हम महादेवी वर्मा जी के बारे में ही बात करेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फरुखाबाद में हुआ था। उन्हें बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। उन्हें ब्रजभाषा, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और खड़ी बोली में विशेष रुचि थी, और इन्हीं भाषाओं में उन्होंने अपनी लेखनी को चलाया था। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उन्होंने तो उनको हिंदी साहित्य की मंदिर की देवी की उपाधि दी थी, और वे जो हिंदी साहित्य का छायावाद युग था उसके चार स्तंभों में से एक मानी जाती थी। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और इसी के साथ साथ हिंदी साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है ये भी उन्हें प्राप्त था। इसके अतिरिक्त उन्होंने नीरजा, अतीत के चलचित्र, ऐसी बहुत सारे जो काव्य ग्रंथ हैं, जो पद्य हैं, जो गद्य हैं, ऐसी किताबों की उन्होंने रचना की थी। एक बात और जो उनको अधिक खास बनाती है वह ये कि अधिक जो लेखक या कवि होते हैं वो किसी एक विधा में ही लिखते हैं, लेकिन जो महादेवी वर्मा जी थी वो गद्य हो या पद्य दोनों विधाओं में समान रूप से लेखन करती थी। गिल्लू, सोना, भक्तिन, ये सब तो आपने सुना ही होगा। उनके जो रेखा चित्र है उनके नाम थे ये, मैं नीर भरी दुखी बदली, कितने सारी कविताएं भी हैं उनकी जो इतनी प्रचलित है। तो हम स्वयं को बहुत अनुग्रहित महसूस करते हैं कि हमने महादेवी वर्मा जी का जो साहित्य है उसे पढ़ा है। उन्होंने 11 सितंबर 1987 को अपनी अंतिम सांसें ली। तो आज उनकी कौन सी कविता आप लोगों को सुनाई जाए? मैं आज आप लोगों को उनकी एक जो बहुत प्रिय कविता है और मुझे भी बहुत प्रिय है, मैं नीर भरी दुख की बदली, वो कविता आप लोग को आज मैं सुनाता हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, स्वासों में स्वप्न पराग झरा, नव के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमल, चिंता का भार बने अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे देता जाना, सुधि मेरे आगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो दोस्तों, उम्मीद यही करता हूं कि आज मैंने जो भी बात आप लोगों को बताई महादेवी वर्मा जी के बारे में वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। जो मैंने कविता सुनाई वो कविता अच्छी लगी होगी। बस ऐसे आप हमें देखते रहिए, हम पर प्यार बरसाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बस बाकी आपको पता ही है, कमेंट करना, लाइक करना, जो भी आप कर दीजिए, और अगले कवि, हिंदी कवि का इंतजार कीजिए कि अगले प्रकरण में हम किसकी बात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।